मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे उन भारतीय छात्रों की जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जिसको लेकर लगातार सरकार भी जद्दोजहद कर रही है। देखिए, अगर इस युद्ध को समझने की हम कोशिश करें तो आज छठा दिन है और ये जो भीषण तबाही है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बातचीत यूक्रेन और रूस के बीच हुई लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। वहीं अगर यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन कह रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रूस कहता है कि हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तभी हम पीछे हटेंगे। लेकिन इस बीच जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं उसको लेकर अफरा तफरी का माहौल जो है वो भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। जो भारतीय पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीय छात्रों को वापस लाने की जो कवायद है वो भारत सरकार द्वारा की जा रही है। आज भी एक बड़ी बैठक हुई है, हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि ऑपरेशन गंगा को और ज्यादा तेज किया जाए ताकि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को वापस लाया जाए। क्योंकि कर्नाटक का रहने वाला नवीन, जिसकी तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे बीच नहीं रहा है। इस युद्ध का वो शिकार हो गए, इससे युद्ध में उसकी जान चली गई। विदेश मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की गई है। तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हालात हैं, ये हालात वहां के बने हुए हैं। चारों तरफ से बमबारी हो रही है, आवाजें सुनाई देती हैं। बंकर्स, शेल्टर होम्स में लोग शरण ले रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? सवाल ये कि आखिर कब तक? ना तो यूक्रेन झुक रहा है ना रूस पीछे हट रहा है। ऐसे में भारतीयों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो वापस आए हैं, लगातार वापसी का दौर जारी है। ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार उन छात्रों से संपर्क में है, बातचीत कर रही है। ऐसे में एक छात्रा वापस आई है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं किस तरह के वहां पर हालात हैं, किस तरह का माहौल है, वो छात्र यहाँ बयां करती हुई नजर आ रही है। मैं हूँ सत्येंद्र शर्मा और आज हमारे साथ यूक्रेन से MBBS के उसमें जो है शिक्षा लेने गई छात्रा जो है तमाम कठिनाइयों के बीच कल रात में अपने वतन लौटी है। और हम इस समय हमारे साथ निशी सिंह जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन किन कठिनाइयों के बीच जो है निशी सिंह आप यहाँ पहुँची हैं और रास्ते में किस तरह के लोग आपकी मदद में लगे थे। आइए हम निशी सिंह जी से ये जानना चाहेंगे। निशी जी। जी सर, मेरा नाम निशी सिंह है और मैं यूक्रेन में इवानो सिटी में इवानो फ्रांसवस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की स्टडी कर रही थी। फिर पिछले एक महीनों से ये सब वॉर का सिलसिला चल रहा था। हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि बेटा घर वापस आ जाओ, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रही थी क्लासेस, इसलिए मुझे वहाँ पे रुक के ऑफलाइन क्लास अटेंड करना पड़ रहा था। तो इसलिए वहाँ पे पापा ने ऑलरेडी टिकट बुक भी कर दी थी मेरी, 25 तारीख को टिकट थी। फिर क्या हुआ कि 24 को मैं निकलने वाली थी क्यू के लिए, फिर क्यू नहीं गई तो सुबह में बस पापा का कॉल आया कि बेटा वॉर शुरू हो गया। तो मेरी सारी टिकट वगैरह कैंसिल हो गई, सब मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। फिर उसके बाद ये सब वॉर वॉर शुरू हो गया। फिर मैं 26 तारीख को मैंने खुद से बस किया, और क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर आ गया था कि रोमानिया बॉर्डर और पोलैंड बॉर्डर की तरफ बच्चे जाएं, तो मैं रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकल गई। और फिर बस ने मुझे रोमानिया बॉर्डर 8 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। फिर मैं पैदल वहां से 8 किलोमीटर पैदल चल के मैं रोमानिया बॉर्डर पर आई, तो वहां पर देखा बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी। उस भीड़ में मैं भी थी और बच्चे पैर किसी कोई मतलब इतना ज़्यादा वो पैनिक हो रहे थे कि सबकी हालत ख़राब हो रही थी। फिर क्या हुआ कि कैसे कैसे करके मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा अच्छी, MBC ने हमारे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। फिर उसके बाद मुझे बस से 400 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट था, रोमानिया का एयरपोर्ट, वहाँ पर ले जाया गया। और हम फिर वहाँ पर फ्लाइट पर बैठे, और फ्लाइट पे भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया इन सब के बीच बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और यही कहना चाहती हूँ कि बस जो बच्चे फंसे हैं बॉर्डर पे उनको कैसे भी करके निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है और स्नोफॉल भी होने लग गई है इस टाइम, तो वो ठंड में, माइनस टेम्परेचर है, ठंड में कैसे रहेंगे।
यही सब चीज़ें हैं कि बसेस का नंबर बढ़ाया जाए और फ्लाइट्स का नंबर बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो बच्चे जल्द से जल्द इंडिया वापस आ पाएंगे, बस यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि और MBC बहुत ध्यान दे रही है बॉर्डर क्रॉस होने के बाद बच्चों का। चलिए निशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जानकारी मिल रही है कि रूस ने कीव पर मिसाइलों से हमला कर दिया है, कई मौतें होने की आशंका जताई जा रही है। ये हालात कीव, खारकीव और अन्य शहरों के लगातार बने हुए हैं। ऐसे में भारतीयों की जान जो है वो भी जोखिम में है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ वापस आए हैं, लेकिन जो वहां फंसे हुए हैं उनके हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक बार फिर से बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच होने जा रही है, ऐसे में क्या युद्ध पर विराम लगेगा, ऐसा बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीयों की वापसी होगी, कितनी जल्दी होगी, क्या तैयारियां हैं, और अगर भीषण युद्ध यूं ही चलता रहा तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैभव अग्रवाल BJP से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जैसे ही संपर्क होता है, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो रास्ते में, कोई ट्रेन में है, कोई रोमानिया पहुंचने वाला है, कोई कीव से अभी निकला है, तो कोई खारकीव में पहुंचा हुआ है, तो उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से। भदौरिया साहब, कल दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है यूक्रेन और रूस के बीच, क्या लग रहा है, युद्ध पर विराम लगेगा या फिर यह युद्ध जो जंग है वो यूं ही चलती रहेगी? सबसे पहले तो जो हमारे भारत का हमारा अपना बच्चा जो वहां जिस तरह से उसकी डेथ हुई है तो बहुत ही एक चिंतनीय विषय है और भारत सरकार इस पर बहुत चिंता कर रही है। जिस तरह से भारत सरकार ने अपनी रणनीति बनाई है, अपने मंत्रियों को भेज भी दिया है, वहां पहुंच भी गए, तो सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि हमें अपने नागरिकों को सकुशल वहां से कैसे निकालना है, इस पे भारत सरकार बहुत संजीदा लग रही है और बाखूबी वो काम भी कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये युद्ध मुझे नहीं लग रहा है कि ये जल्दी रुकेगा, क्योंकि इस युद्ध में जो जिस तरह की नित नई एक स्टेज ही बन के आ रही है सामने, वो देखने लायक है। क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध को शायद कभी नहीं चाहता, अगर उसके उसको इस तरह से नहीं कहा जाता कि पूरा यूरोपियन देश आपके साथ खड़ा है, तो यूक्रेन को यही पूरा अंदेशा था कि अगर वो युद्ध में जाता है तो नाटो की सेना उसके तरफ से युद्ध लड़ेगी, तो ये सोच के ही उसने इतनी हिमाकत दिखाई। नहीं, रसिया जैसा एक ताकतवर देश, आज वर्ल्ड का रसिया कमजोर नहीं है, बहुत नंबर एक पे उनकी गिनी जाए तो उनकी ताकत नंबर एक पे है। तो जो अगर रसिया अपनी जगह जो कर रहा है वो भी अपनी जगह ठीक है कि हर देश अपनी सुरक्षा अपनी करने के लिए वचनबद्ध है, तो उसे भी लगा कि आज हमारे देश के अगर बॉर्डर पे आके नाटो की सेना बैठेगी तो कहीं ना कहीं उसे भी ये महसूस होता कि हमारा तो बिल्कुल बॉर्डर ही कवर हो चुका है। तो रसिया ने जो कदम उठाया वो अपनी जगह उनका सही है, मगर अमेरिका यूरोपीय देशियन ने जिस तरह से यूक्रेन को जो भरोसा दिया था शायद वो अपने भरोसा में सही नहीं उतरे। अब तो ठीक है अपनी इज्जत बचाने के, ये सिर्फ साख की बात हो गई है, ये सिर्फ जो यहाँ पर प्रदर्शन है, सैन्य प्रदर्शन है, ये उसकी बात हो गई है रूस की तरफ से। बिल्कुल, मैं वो ही बताना चाहूंगा। अब जब ये युद्ध शुरू हो ही चुका है तो कोई भी देश नहीं चाहेगा, तो रसिया हो कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहेगा। जब युद्ध में उतर जाते हैं तो फिर वहां नफा नुकसान नहीं देखे जाते, फिर वहां एक ही टारगेट होता है कि किसी तरह से जिसके साथ हमारा वार चल रहा है हमें उसे नाबूद करना है। तो वो ही रणनीति रसिया ने अपना रखी है। आज जिस तरह से पैनिक मिसाइलों का अटैक जो हुआ है, जिस तरह के वहां जो दिखाई दे रहा है कि पूरी बिल्डिंगें जो है ना गिर चुकी है, वहां जगह जगह आगजनी हो रही है, तो ये पैनिक मिसाइलों का ही बार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और स्थिति भयावह है। बिल्कुल भदौरिया साहब, स्थिति भयावह होती हुई अब नजर आ रही है। वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, BJP से हैं। वैभव जी, सरकार कोशिश कर रही है ऑपरेशन गंगा
नाम दिया गया है उसको तेज करने के लिए आज फिर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी बात यहाँ पर बात कर चुके हैं पुतिन से, लेकिन स्थिति फिर भी सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं कि जो रूसी सैनिक है उन्हें टारगेट करके मार रहे हैं। नमस्कार, देखिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, और इसमें अन्य देशों को कूदने से अपने हाथ को रोकना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये वक्त नहीं है एक तीसरे विश्व युद्ध का। क्योंकि देखिए मैं कप्तान साहब को सपोर्ट करता हूँ, सुधा जी आपको सपोर्ट करती हैं, फिर सुधा जी के दोस्त जो हैं वो आपके उनके साथ लग जाएंगे, कप्तान साहब के और मेरे दोस्त हैं हमारे साथ लग जाएंगे, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो युद्ध में क्या होता है, युद्ध विराम की हमेशा मंशा नहीं होनी चाहिए, और युद्ध रणनीति के हिसाब से जहाँ तक रशिया की बात है, रूस की बात है, और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, पहले हमें ये देखना चाहिए कि देखिए वो दोनों का आपस का मसला है। दूसरा, हमें अपने देश के वासियों को बचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि भारत सरकार ने सक्षम रूप से करी है। अब तीसरा मसला ये आता है कि अब इस पर अपन और ऊपर उठ के ये देखा जाए कि इस युद्ध को विराम कैसे लेके आए। युद्ध को विराम लाना पड़ता है दोनों ही पक्षों के बातों को ध्यान में रखते हुए। युद्ध केवल एक की मर्जी से कभी नहीं होगा, हमेशा दोनों गलत होंगे। जिस तरह सड़क पे चलते वाहन जब दो आपस में टकराते हैं तो केवल एक की गलती से नहीं होते, दूसरे वाहन वाला हमेशा पूछ सकता है कि क्या आपने देखा नहीं, और जो पहला वाला वाहन है वो हमेशा ये बोल सकता है कि मैंने तो देखा था तो जबरदस्ती आ गई जी। लेकिन इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक कॉमन प्लेइंग फील्ड कहाँ है, यानी यदि हम आपस में अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर सके। मतभेद तो देखिए दो जने हैं अलग अलग होगा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें दो देशों को आपस में मिलके, जैसे शादी होती है जब किसी की, तो दोनों जने अलग अलग व्यवहार के होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं, मंशा के होते हैं, वो दोनों आपस में जब मिलके साथ आते हैं, अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, अपने मित्रों के साथ हंसते हैं और रोते हैं, तो वो दोनों आपस में जरूरी नहीं है कि 100% एकदम साफ है। तो यदि उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, तो मेरे ख्याल से जो वार्ता हो रही है वो अच्छे रूप से हो रही है, उसकी शुरुआत अच्छी है, दूसरे चरण की वार्ता होगी। और जहां तक युद्ध की बात है, जब तक वार्ता हो रही है तब तक विराम नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो युद्ध तो पहले ही रुक चुका होता। वैभव जी, लेकिन तो मेरे हिसाब से भारत मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात करकर अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत इसमें हिस्सेदार नहीं है। अभी यूएन की जो वोटिंग भी हुई थी उसमें भी भारत ने अपने आप को हाथ खींचा, क्योंकि देखिए दो लोग लड़ रहे हैं, उनके आपसी मुद्दे हमें नहीं पता होंगे उतने ज्यादा जिनके जितने उनको पता है। तो मेरे ख्याल से कभी भी बीच बचाव में करने के लिए कूटनीति ये कहती है कि आप को यदि बोला जाए तो आप, क्योंकि दोनों पक्ष आपकी बात सुनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से भारत की कूटनीति के हिसाब से इस समय दूर रहना ही बढ़िया रहेगा अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर। ठीक है, और हमें पता है यूक्रेन ने हमारे खिलाफ भी वोटिंग करी थी, उनकी मंशा, उनकी जो दोस्ती है और उनका जो एक तौर तरीका है वो उनकी कूटनीति का अलग तरीका है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे देश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जहां तक कूटनीति अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात आती है, मेरे ख्याल से भारत को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और मेरे ख्याल से भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर जयशंकर, आई थिंक सब लोग मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि हम दूर रहे, हम ना तो उसके अंदर जाए और अपने अपने लोगों को बाहर ले आए, जो कि हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसका खामियाजा आज भुगता है हमने, इसका खामियाजा भुगता है कर्नाटक के नवीन को, हमने खो दिया है। 21 साल का महज छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हुआ था, उसको हमने खो दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और देखिए जहाँ पे हमने हमारे कर्नाटक के होनहार छात्र को खोया है, वहीं पे हमारी हरियाणा की एक बेटी भी ऐसी है जो यूक्रेन से आने से ही मना करती है, जो कहती है क्योंकि मेरा जो मकान मालिक है वो यूक्रेन की आर्मी में भर्ती होके यूक्रेन की देश की लाज के लिए एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मैं उनके परिवार का ख्याल रखूंगी। मेरे ख्याल से भारत में हमेशा हमने हर मजहब की इज्जत करी है, हमने हर इंसान की इज्जत करी है, हमने हर किसी की इज्जत करी है दुनिया में,
और मेरे ख्याल से ये भारत के लिए कि मैं मानता हूँ जहाँ पे एक शहीद पे एग्जाम्पल भी है जहाँ पे भारत की बेटी भारत की ओर से यूक्रेन के साथ है और साइज नहीं हो सकता बड़ा या छोटा, एफर्ट एफर्ट ही होता है, चाहे वो एक गिलास पानी पिलाने में हो, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे और भारतीय ही है और भारतीय ही है वैभव जी जो ऐसे मुसीबत में हर किसी की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है, ये हमें मानना होगा, ये किसी से छिपा नहीं है, हर जगह हमने देखा है भारत ने अपना परचम जो है हर जगह लहराया है। लेकिन वैभव जी जो आज एडवाइजरी जारी की गई थी भारतीयों जो भारतीय बाहर रह रहे हैं जो छात्र हैं उनके लिए कि आप जो भी आपके पास व्यवस्था है जैसे भी आप निकलिए कीव से बाहर जाइए, देखिए ये हमें समझना होगा कि वहां से उन्हें निकलने के लिए कैसे वो आएंगे, हर तरफ से बमबारी हो रही है, बंकर्स में छिपकर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं, ऐसे में हमने आज एक छात्र को भी खो दिया, तो हम नहीं चाहते, देखिए देश की जनता नहीं चाहती, मैं अपने शब्द नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वही मैं कह रही हूँ, देश की जनता नहीं चाहती कि अब और कोई नवीन हो इसे हम खो दें। देखिए आंखें भर आती हैं और शायद आपकी भी आंखें भर आई होंगी क्योंकि ऐसे एक 21 साल के होनहार छात्र को खोना जो कि एक ऐसी पढ़ाई करने गया था, शायद हो सकता था कि वहां से बहुत अच्छी पढ़ाई करके आता और फिर यहां पर अपनी सेवा देता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, और ये माहौल ऐसा है कि देखिए जहाँ पे मेरे एज ग्रुप का है, शान के एज ग्रुप का है और भारत मैं राजनेता जरूर हूँ लेकिन हम लोगों ने हमेशा बचपन से ये देखा है, हमारे सीनियर जो अक्रॉस पार्टी लाइंस हैं हमें हमेशा बढ़ावा दिया है, वो इसलिए क्योंकि हम उनकी दूसरी लाइन हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी है और मेरे ख्याल से ये इमोशनल होने की तो बात है ही, लेकिन साथ साथ भारत इतने लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में अपने कूटनीतिक दोनों देशों के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जितनी कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल से ये सराहनीय है। और आप देखें भारत ने तो केवल भारतीय स्टूडेंट्स का ही नहीं, भारतीयों का ही नहीं, अन्य देशों को भी मदद करी। देखिए जब आप अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जाते हैं तो आप अकेले एकला चलो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जो कि हम भारतीयों की खूबी है। जहाँ पे हम एक 100 स्टूडेंट्स में से 80 की मदद कर पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वहां पे बाकी 20 भी करेंगे। हम तब तक आशा करते हैं कि हम लोग सब एक साथ रहेंगे, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो टूटेगी नहीं और सरकार के साथ धैर्य बनाए रखेंगे। हमने कल भी फ्लाइट से कुछ अन्य करीबी देशों से कुछ रसद का सामान इस्तेमाल जो होता है पानी खाना वो भी अरेंज करने की कोशिश करी है लेकिन हमारे बस में नहीं है, हम तिलमिला रहे हैं अपने अंदर। बिल्कुल वैभव जी, और जब आप समझ रही हूँ मैं वैभव जी, फीलिंग मैं आपको बताऊं, ये फीलिंग ऐसी है कि जब आप किसी से बात करने की चेष्टा करते हो और बात नहीं हो पाती क्योंकि कम्युनिकेशन टूट जाता है, वो तिलमिलाहट जो होती है ना वो आपकी आंखें भराती है उससे, क्योंकि आप कहते हो यार सुन ले लेकिन सामने वाला नहीं सुनता है, सामने वाला कहता है मैं करता हूँ। तो यहाँ का हर एक जो अभिभावक है जिनके बच्चे वहाँ मौजूद हैं वो हम उनसे समझ सकते हैं। वैभव जी आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और भी सवाल हैं उनके जवाब जानना चाहूंगी, उससे पहले सुधा मिश्रा जी यहाँ पर हमारे साथ बनी हुई हैं। सुधा जी देखिए स्थिति बहुत ही डरावनी है, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, हमारे भारतीय छात्र वहाँ बैठे हुए हैं, जिन जो पेरेंट्स हैं उन्हें कितना डर लग रहा होगा इसका अंदाज़ा हम आप सब लगा सकते हैं। ऐसे में जो ऑपरेशन गंगा है उस पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसको तेज किया जा रहा है, जो एयरफोर्स के विमान है वो भी वहाँ भेजे जा रहे हैं तत्काल प्रभाव से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीयों को लाया जा सके। कांग्रेस इस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, क्या ज़रूरत है इस पर राजनीति करने की? जी बिल्कुल नहीं काजोल जी, राजनीति तो कोई नहीं कर रहा है। अगर सूचना को फिर से दिखाने या पहचाने की बात की जा रही हो उसे राजनीति नहीं कहते हैं। आपने कहा कि जो ये स्थिति है ये त्रासद पूरे देश के लिए है, जो बच्चे हमारे यहाँ फंसे हुए हैं या जो नागरिक अपने फंसे हुए हैं ये सबके हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी के नहीं है, भारतवासी हैं।
यहाँ पे अगर कोई कांग्रेस की तरफ से कोई सूचना दी गई है भारत सरकार को, तो सिर्फ उन प्रयासों को और अच्छा करने के लिए जो हम कर रहे हैं उनकी सराहना करते हुए। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत सरकार हमारा कुछ कार्य नहीं कर रही है। सवाल सिर्फ ये उठाया गया कि जो हम प्रयास आज कर रहे हैं, एडवाइजरी बहुत पहले ही आ चुकी थी, हमने क्यों नहीं यूक्रेन के वहां बात करके बच्चों को पहले निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति आज से नहीं, आप जानती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत चल रही थी वहां पे स्थितियां सबको ये भावना लग चुकी थी कुछ ना कुछ होने वाला है। और उसमें अगर आप देखिए 6 दिन पहले एक विमान जाता है अपने, जिसको लैंडिंग नहीं हो पाती है, उस विमान में भी 6-7 बच्चे गए हुए थे जो वापस दिल्ली लौट आते हैं। तो आप देखिए जो चीजें विश्व में हो रही थी जिनके बारे में लोगों को शंका थी, तो आपने कहा कि महसूस, मेरे जस्ट बगल में एक लोग है, उनकी बेटी की, उनकी बहन की बेटी वहां यूक्रेन में फंसी हुई है, 2 दिन से उनसे उनकी बात नहीं हो पाई है, वो क्यों में कहीं पे है। ये कहना राजनीति नहीं होती है, लेकिन जो बच्चा आज गया होगा, जिसके माता पिता को ये सूचना मिली होगी कि उनका बच्चा नहीं है, उनके लिए पूरे जीवन में शून्यता आ गई। अब देश कुछ भी करे, प्रधानमंत्री जी, हम आप कुछ भी कर ले, कोई भी बहस कर ले, उनके जीवन में वापस नीरज नहीं आएगा। बात इसकी है कि जो चीज हम पहले कर सकते थे, या हमारे पास व्यवस्थाएं कम नहीं है, आप भी जानती हैं, जो हम कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं, क्योंकि देश अपना नहीं है, हमें उनसे बातचीत करके अपने बच्चों को बाहर निकालना है। लेकिन जब अंदेशा था, सिर्फ प्रश्न इसका है कि जिस भयावह स्थिति का अंदेशा था, रशिया नहीं मानेगा, यूक्रेन नहीं मानेगा, स्थिति आज से भी आप जानते 2008 में ही यूक्रेन ने जब नेटो के साथ मिल लिया, उसका जुलना, जो भी बातों को नहीं मानना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, फिर रशिया का उसको रोकना, जर्मनी को रोकना, चीजें बहुत पहले से हो रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, चीजें नहीं हो पा रही थी, हमारे देश की बच्चे वहां पे थे, और सबको मालूम है कि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बच्चे वहां जाते हैं। अब ये काजोल जी, मैं एक प्रश्न और यहाँ पे डालना चाहूंगी, आज तो स्थिति भयावह है कि बच्चे हमारे वहां फंसे हुए हैं, क्या हमारे पास अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था होती पढ़ने के लिए, तो क्या हमारे बच्चों को वहां जाना पड़ता, जिनमें से बात करनी पड़ती क्या? मतलब हमारे देश में कहीं ना कहीं इस बात की खामी रह गई होगी। तो ये तो कमी आपकी भी है ना, ये तो कमी आपकी भी है, ये तो कमी कांग्रेस की भी है ना, सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप सही, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन ये सवाल आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए था, ये सवाल सुधा जी, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। हमेशा किसी पीछे की बुराई करना आगे बढ़ना नहीं होता है, जो नहीं हुआ तभी सरकार हमारी दूसरी बदलती है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भविष्य निर्माण के लिए, हमें क्या बेहतर करना है, हमेशा बात किसकी होनी चाहिए। मैंने कहा सिर्फ हमें सोचना पड़ेगा कि क्या अपने देश में हम वो स्थिति नहीं ला सकते कि हमारे जो हमारे जो हमारा भविष्य है, हमारा युवा है, यहाँ से कहीं और न जाए, यही रहे, तो शायद हमें ये ज्यादा जो आज की स्थिति में हम फंसते नहीं, अगर ये हो सकता तो, और अगर नहीं हुआ है तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सुधा जी, आप भविष्य निर्माण की दिशा में एक कदम ठीक है सोच सकते हैं कि आज की स्थिति कभी और उत्पन्न ना हो। ठीक है, ठीक है, वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट वैभव जी, शान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शान के पास मैं जाऊंगी। शान देखिए, आप यूक्रेन में ही मौजूद है, ये बताइए कि यूक्रेन के किस शहर में है आप? जी मैम, मैं कल तक तो यूक्रेन में था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू खुल जाएगा जी, तो 8:05 पे मैंने टैक्सी बुक करी और मैं झट से रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से मैंने एक ट्रेन ली। उसके बाद में अभी मैं स्लोवेकिया, जो नाइबर कंट्री है, अभी वहां पर पहुंचा हूँ, और मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सरकार ने वहाँ एम्बेसी वाले लोगों को भेजा बॉर्डर पे और हमें बस के थ्रू यहाँ होटल में लेकर आए हैं और खाना भी दिया जा रहा है, अभी मैं होटल में ही मौजूद हूँ। शान देखिए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई, कोई गाइडलाइंस उन्हें नहीं दी जा रही है, क्या ऐसी भी स्थिति देखी जा सकती है कीव में या खारकीव में? जी जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली थी पहले 3-4, लेकिन उस एडवाइजरी में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि आपको छोड़ना ही है, एज लाइक जैसे यूएसए ने कहा था कि आपको छोड़ देना चाहिए। वो तो आज 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 कहा है भारत ने कि बस छोड़ दीजिए, जैसे मर्जी आप निकलिए कीव से, ये एडवाइजरी आज जारी हुई है। शान यही कह रहे हैं आप? जी जी। शान एक मिनट, वैभव जी आपने सुना शान क्या कह रहे हैं, पहले कुछ ऐसा नहीं कहा गया था कि आप बस छोड़ दीजिए, निकल जाइए। अभी सुधा जी कह रही थी कि अंदेशा पहले से था, सरकार को पहले कदम उठाने चाहिए थे। वैभव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार की विफलता है
कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बिल्कुल भी नहीं आती है, हम लोग सब फेल हैं कांग्रेस के सामने। यहाँ पे कांग्रेस आप लोग सूचना के सूचना में चीजें आ रही थी तो प्लीज इसको राजनीति पे मत जाइए प्लीज। एक जो इसमें कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है, हम कहीं ना कहीं उस अंदेशे से पीछे कंप्लीट करने लीजिए, उसके बाद फिर सुधा जी आप भी जवाब दीजिएगा। वैभव जी कंप्लीट करिए पहले। देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ कि हम फेल हो गए, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ कांग्रेस के क्लास के सामने। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि शान वहां बैठे हैं सुरक्षित, वो तो कोई बात नहीं, चलो वो भी हमने नहीं किया होगा, शायद शायद कांग्रेस ने ही एम्बेसी से बात करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये जो फ्लाइट चल रही है वो भी शायद सोनिया मैडम ने ही भेजी होगी। सुरक्षित बैठे हैं, नवीन तो चले गए, नवीन चले गए आप मानते हैं ना, ये भी मानते हैं। इसके अलावा एक और बात, एक और बात वैभव जी, एक और बात, आज आज रात बस एक मिनट वैभव जी, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। सारे मीडिया बड़े चैनल्स चला रहे हैं, जो भी जानकारी उन्हें मिल रही है वो कह रहे हैं कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है कीव में, बहुत बड़ा होने वाला है, 15,000 से 16,000 बच्चे एक साथ आ सकते हैं, कुछ बड़ा होगा, क्योंकि गैर परमाणु का इस्तेमाल जो है वो रूस कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, जो ये ऐसा हथियार है जो ऑक्सीजन को पूरी तरह से सोख लेता है, उसके बाद फटता है, इंसानी जो शरीर है पूरी तरह से भाप बन जाता है। आप समझ रहे हैं स्थिति वैभव जी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं सब कुछ, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। मेरा मेरा दफ्तर है, मेरे निजी कार्य में मेरा दफ्तर है मॉस्को में, और मेरा वो दफ्तर न सिर्फ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पे काम करता है बल्कि थोड़ा मीडिया के मदद भी करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सिचुएशन थी, कूटनीतिक सिचुएशन थी जो ग्राउंड पे थी, एडवाइजरी क्या होता है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में, जब डायलॉग चल रहा होता है तो एडवाइजरी, तो दो एडवाइजरी पहले आई है, आज की जो एडवाइजरी है जिसका शान जिक्र कर रहे हैं तीसरी एडवाइजरी है। तो जो दो एडवाइजरीज पहले आई हैं वो अरेंजमेंट्स करते करते आई हैं, हम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आसपास के देशों से पहले बात नहीं हो पा रही थी, वो भी मना कर रहे थे, फिर उन्होंने उन बॉर्डर खोले, आज जैसे शान स्लोवाकिया में एंटर कर गए, इनका केवल पासपोर्ट चेक हुआ होगा, वो भी मुझे मुझे पता नहीं है ग्राउंड पे क्या है, लेकिन केवल पासपोर्ट चेक हुआ होगा, वीजा वगैरह नहीं आया, वो एम्बेसी के थ्रू कोऑर्डिनेट हुआ है। तो ये क्या है, ये कूटनीति से आपको बॉर्डर खुलवाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, जो आसपास के देश है उन्होंने उन्होंने कोऑपरेशन उनकी कोऑपरेशन पे भी डिपेंड करते हैं, तो केवल सर अब भारत के अकेले हाथ में नहीं है। यदि यदि और देखिए अब मैं राजनीतिक रूप से, सुधा जी 2 मिनट में को बोलने दीजिएगा, आपका अधिकार बनेगा मेरे को काउंटर करने का, लेकिन क्या है फिर आप बोलेंगे तो मेरी बात और फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही वैभव जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने बिल्कुल। तो सर और अपनी डिबेट पे क्या है, कटाक्ष चलते हैं, आप मेरे को बोलोगे मैं बोलूंगा, राजनीति की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन झगड़े नहीं हो रहे, बंटवारे नहीं हो रहे, कोई बात 47 हो चुका है वो, अभी अभी अपन मोदी राज में कोई दिक्कत नहीं है, बंटवारे नहीं होंगे, पीओ के वापस ही आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ऐसा है ना कि जहां तक कांग्रेस का कटाक्ष रह सकता है राजनीतिक रूप से, वो तो वो मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक रूप से यदि कांग्रेस कटाक्ष करती भी है कि भारत में बच्चे शान आज की तारीख में वहां इसलिए गए क्योंकि अच्छे पढ़ने की सुविधा यहाँ नहीं है। अब देखिए ये सब तो अपन पिछले 7-8 साल में अगर देखें तो शायद शान ना जाते, लेकिन शान की पहले की पढ़ाई उस रूप से थी कि शान को वहां जाना पड़ा या अन्य स्टूडेंट्स को वहां जाना पड़ा। अब जहां पे ये बात आती है, वहां पे मैं जहां पे अपना फेलियर कह रहा हूं, चाहे सार्कास्टिकली कह रहा हूं, जो कि सबको पता है भारत सरकार फेलियर नहीं है और बहुत सक्षम रूप से, ये भारत सरकार के लिए चौथा ऑपरेशन है इवैक्यूएशन का, ये पहला ऑपरेशन नहीं है जहां पे सक्सेसफुली हम लोग 99% अपने भारतीयों को सुरक्षित पहुंचा देंगे, चाहे आसपास पहुंचाए चाहे भारत वापस। देखिए लेकिन उसमें क्या है, अभी हाल ही की यूपी की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष, ये कांग्रेस के जो जो उपाध्यक्ष है जो कौन है मुझे तो अब कंफ्यूजन हो जाता है, वो खुद ही अपनी रैली में उन्होंने बोला कि 70 साल सरकार ने बर्बाद कर दिया भारत को, हम आएंगे तो हम अच्छा करेंगे। तो इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस खुद बोल रही है कि भारत में व्यवस्थाएं नहीं है, वो मेरी गलती नहीं है, मैं तो केवल आज ये अपना फेलियर स्वीकार कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस लिप्त भारत में था
और आज मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना फेलियर स्वीकार कर रहा हूँ। भारतवासी के नाते एक फेलियर था मेरा, क्योंकि मैंने कांग्रेस को वोट दी इतने सालों में। आज की तारीख में मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ तो सारा डेवलपमेंट हो रहा है, पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी और शान वापस आके यही पे लोगों को ठीक करेंगे, यही पे इलाज करेंगे। और हम प्राउडली कहेंगे कि शान चाहे बाहर पढ़ के आया है लेकिन वापस भारत आके एक साल लगाएगा, अपना भारत का कोर्स करेगा, एडवांस मेडिकल नॉलेज में जो मेडिकल एडवांस मेडिकल वहां पे ये पढ़ाई करेगा, इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक पढ़ के आएगा, वो यहाँ पे लेके आएगा अपने साथ। मैं तो बहुत प्राउड हूँ इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि वो बाहर जा रहा है। लेकिन युद्ध की स्थिति में वैभव जी अभी तक वो पढ़ ले, लेकिन हम अपनी इनकी पढ़ाई अभी नहीं रोक सकते। वैभव जी लेकिन युद्ध की स्थिति में तो पढ़ाई तो आधार में लटक गई। वैभव जी युद्ध की स्थिति में पढ़ाई तो अधर में लटक गई, बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे फोर्थ ईयर के भी हैं। अब अपन अब राजनीति से हटके अपन मुद्दे की बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जहां पे शान को हमने सुरक्षित पहुंचाया है और बाकी भारतीयों को भी सुरक्षित पहुंचाया है, कुछ तो भारत वापस भी आ चुके हैं, उसमें भी कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन का उत्पाद, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नवीन की मृत्यु हुई और क्योंकि हम हमारा एक 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 लिमिटेड रूप से हम वहां पे दखल अंदाजी कर सकते हैं इलाके में, मेरे ख्याल से अभी तक की हमारी जो पोलिश एम्बेसी है, हमारी जो स्लोवाकिया की एम्बेसी है और जो यूक्रेन की एम्बेसी और रक्षा की एम्बेसी है, ये चारों पांच लोग मिलके भारत की केंद्र सरकार के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जितना भी लिमिटेड फ्लाइट टाइम हमें उम्मीद यही है, वैभव जी देश नहीं है जिनकी फ्लाइट चल रही है, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भी है वहाँ पे। वैभव जी उम्मीद तो यही है ना सरकार से, उम्मीद तो लगा, जनता उम्मीद यही लगा रही है। उम्मीद किससे की जाती है? जिस पर भरोसा हो। हमें भरोसा है सरकार पर, इसलिए हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे छात्र सकुशल वापस आ जाएंगे। देखिए जिनके बच्चे वापस आ गए हैं वो खुश हैं और कह रहे हैं भारत सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। सुधा जी आप जल्दी से कंप्लीट करिएगा, भदौरिया साहब भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनसे भी फिर मैं कुछ पूछने की कोशिश करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि ईयू का सदस्य बनने की मंजूरी जो है वो यूक्रेन को मिल गई है, वोटिंग 9 बजे होनी है, तो क्या कुछ होने जा रहा है? सुधा जी पहले आप कंप्लीट करिए। धन्यवाद वैभव भाई, बहुत अच्छा आप बोलते हैं इसमें, कोई बहुत अच्छे वक्ता हैं और श्रोता भी आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आपने दो तीन बहुत बात, सरकार प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है, इस पे हमें अपने भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और उसके उस कार्य की हम सराहना भी करते हैं। मैंने आपसे जो प्रश्न कहा था और आपने जो उसका उत्तर दिया, दोनों में इतना अंतर था, आपने पूरा एकदम बातों को ही घुमा दिया। जो 5 सालों से 7 सालों से चल रहा है घुमा देना, वो आप बखूबी जानते हैं, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छे वक्ता है। आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त कर दे रहे हैं, आप लोग कांग्रेस मुक्तता की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आपकी पार्टी में अगर कांग्रेस से गए हुए लोगों को देख लिया जाए तो मुझे तो आप लोग कांग्रेस युक्त दिख रहे हैं। बात भले आप कहें कि कांग्रेस मुक्त है, आप तो युक्त दिख रहे हैं, तो इसकी बातें भाई मत करिए। इस समय जो बातें हो रही थी कि हम जो बच्चे हमारे आ गए वो बहुत अच्छी बात है, हमारी विदेश नीति के तहत हम जो कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हर बार जब भी कहीं पे कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है जहाँ पे सीमाएं हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वहां पे हमारे विदेश के जो भी हमारे अपने नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने आपसे ये कहा कि जब अंदेशा था, और ये अंदेशा आपको ही नहीं सबको था, आपकी सूचना के रूप में आप देखते थे हर न्यूज चैनल कहीं ना कहीं से वो सनसनाहट दिख रही थी, सुगबहट आ रही थी कि हो सकता है। उसके बावजूद अगर बच्चों को सचेत किया गया होता, वहां से बात की गई होती तो शायद नहीं होता, मैंने इसकी बात की, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ। लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं, उसमें जो रह जा रहे हैं, जहां तक खारकियों की बात है, क्यों की बात है, जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप भी जानते हैं कि वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। अगर नवीन की बात करें तो खारकियों में बाहर निकला था, लाइन में लगा हुआ था, वहां पे बम डाला गया और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो हमें जगहों पे ज्यादा, अगर हमारे संबंध अच्छे हैं कूटनीति रूप में, यहाँ पे जेलेंस्की भी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे पुतिन भी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को वहाँ, किसी भी रूप में कर्फ्यू हट जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन बच्चे वापस आ जाए, यही हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं,
हम भी चाहते हैं। जहां तक वापसी की बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसके पहले 1.5 लाख लोगों को ईरान से लाया जा चुका है। तो भारत सरकार, चाहे उसमें किसी की भी सरकार हो, वो पूरा प्रयास करती है कि हमारे भारतवासी जहां भी है सुरक्षित रह जाए। चाहे आप अभी जब दूसरे वक्ता बोले तो आप रिसर्च कर लें, लेकिन आपके पास कोई एग्जांपल नहीं होगा इस स्केल पे, वॉर स्केल पे ऑपरेशन करने का जितने आपने भारतीयों को सरकार की सराहना करती हूँ करे, लेकिन बस वो स्थितियाँ न बनने पाती अगर हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देते। बाकी दो चीज हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बस बच्चे हमारे वापस आ जाए, वापसी हो जाए, ठीक है, यही कामना देश कर रहा है। ठीक है सुधा जी, एक मिनट, भदौरिया साहब सुधा जी ने सवाल किया और वैभव जी से किया था, वैभव जी ने भी उस सवाल का जवाब दिया, और यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि अंदेशा था तो फिर क्यों ऐसा यहाँ पर गाइडलाइंस, अगर हम कहें या एडवाइजरी कहें, वो जारी नहीं की गई कि आप तुरंत वहां से निकलिए। आज जब तीसरी एडवाइजरी जारी की गई है तब बोला गया है, जब हालात बद से बदतर हो गए। आज शाम ऐसी तस्वीरें सामने हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। आज अभी खबर आई है कि रूस ने कीव पर मिसाइल अटैक कर दिया है, हालत बद से बदतर हो सकते हैं। इसी बीच अगर जेलेंस्की की हम बात करें तो वो जुड़ते हैं ईयू में, और ईयू में कहते हैं कि वो सदस्य बनना चाहते हैं, मंजूरी मिल गई है, अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग हो जाएगी। अगर यूएन में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तब हालात कैसे होंगे? क्या पुतिन वापस पैर पीछे खींच लेंगे या और ज्यादा मजबूती के साथ अब टकराव होगा दोनों के बीच? बिल्कुल प्रियंका जी, जब वार शुरू हो जाता है तो पीछे शायद पैर नहीं खींचे जाते, और पुतिन जैसा एक बहुत ही रणनीतिकार वो शायद ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार अगर उन्होंने पैर पीछे खींच लिए तो यूरोप कंट्री में नहीं, उनको पूरे वर्ल्ड में जो है ना फिर कहीं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और उनका देश बहुत ही जो है ना निगेटिव ऊर्जा की तरफ चला जाएगा, तो शायद वो कभी नहीं सोचेंगे। बाकी इतना मैं जरूर कहूंगा, जो मेरी जो सोच है कि यूरोप कंट्री जिस तरह से ये अपने डिसीजन ले रही है, इनको ना लेके इनकी आपसी चर्चा कराना चाहिए थी, इस युद्ध को टालने की रणनीति बनाना चाहिए थी। जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि ये प्रतिबंध लगा दो, ये हथियार सप्लाई कर दो, हम उनको मदद दे देंगे, तो ये युद्ध रोकने वाली तो कतई सोच नहीं है, क्योंकि तो आप कहते हैं ना कि जलती हुई आग में घी डालना, तो ये घी डालने वाली बात होगी। जब आप सोवियत संघ के ऊपर, आप रूस के ऊपर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो वो प्रतिशोध लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो किसी चीज में कमजोर नहीं है। खतरा तो फिर यूरोपीय जो पूरा संघ है उसके भविष्य के लिए भी तो खतरा हो सकता है ना। ये देखिए, आप अगर जल्दी आग में हाथ सेकेंगे तो ऐसा ना हो कि हाथ आपके ना जले, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। नहीं, खतरा तो प्रियंका जी, ये मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है और इसमें अगर नाटो की सेना इन्वॉल्व होती है तो कहीं ये विश्व युद्ध की तरफ ना चला जाए, तो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, और ये सत्यता है कि ये पुतिन कभी युद्ध से पैर नहीं खींचेंगे, और उनको मैं कह रहा हूँ उनको नहीं, कोई भी हो, इस तरह से खींचना ही नहीं चाहिए। कितने दिन टिक पाएगा? 6 दिन हो गए हैं। वो जो अगर हम देखें, जो एक तेज है ना जेलेंस्की के चेहरे पर, वो आज हमने देखा पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, और मानना पड़ेगा कि रूस के सामने टिके रहना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी, जो मैंने रूस की जो स्ट्रेटजी देखी है वो ये है कि उनकी सोच ज्यादा से ज्यादा ये है कि वहां की सेना को नेस्तनाबूद किया जाए, इसी तरह से सैनिक जो उनके अड्डे है, उनके डिपो है, उनको बर्बाद किया जाए। वो वहां की सिविल पॉपुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे। अगर सिविल पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करते तो हो सकता है वो अभी तक यूक्रेन पे पूरी तरह कब्जा कर चुके होते। तो ये उनकी सोच दर्शा रही है
क्योंकि अभी तक उन्होंने जान के कहीं भी सिविल लोगों पे कोई बात नहीं किया है। अब मैं थोड़ी अपने देश के प्रति कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इस टाइम राजनीति नहीं होना चाहिए, मिलके बात करना चाहिए। यही एक राजनीति समझदार नेताओं का कर्तव्य होता है। अगर इस टाइम भी हम ये मेरी और तेरी वाली बात करेंगे, अब मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी ने पहला वक्तव्य दिया था 15 फरवरी को, दूसरा वक्तव्य दिया था 18 फरवरी को और तीसरा वक्तव्य दिया था 21 फरवरी को। ये इन्होंने मंच पे आके कहा था, मीडिया के माध्यम से कहा था कि युद्ध वहां पर छिड़ सकता है, हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग ये यूक्रेन में है, उन्हें देश से निकल आना चाहिए, तो खुले शब्दों में कहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कुछ कमजोरियां हैं कि हम क्यों नहीं इस बात को समझ पाए। हालांकि मैं देख रहा हूं कि सरकार बखूबी अपना कर्तव्य निभा रही है, कहीं से पीछे नहीं है। और मैं सबसे पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस की मैडम बैठी है, मैं ये ना वो सोचे कि मेरे ऊपर कोई कटाक्ष करता है, मैं किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शासन भारत में कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो जो सुविधा आज वो 7 साल में सोच रहे हैं कि मिल जाना चाहिए, वो उन्होंने 7 साल मोदी जी के सिर्फ 7 साल हुए और इनके 60 साल से ज्यादा अधिक शासन किया है, तो उस टाइम ये नहीं जुटा पाए। मैं जो मेरी अपनी सोच है और जानकारी है कि जब से भारत आजाद हुआ था इस देश में मात्र 12 एम्स थे और आज 28 एम्स संचालित है, और इसी तरह से मेडिकल कॉलेज हर जगह जगह है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो संसाधन जितने 7 साल में बने हैं उतने 60 साल में नहीं बने हैं। तो ये कहना गलत होगा कि काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से आज सेना को मजबूत 7 साल में बनाया गया है, इतनी क्योंकि मैं उसी सेना का एक हिस्सा रह चुका हूँ, हमारे सामने हम जानते थे कि हमारे पास वेपन किस तरह के थे, मगर आज सेना के ऊपर जो वेपन है, सेना के पास एक से उनका किस्म के वेपन है, तो ये तो कहना गलत होगा कि काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है। इसी तरह से रोड़ों का मैं कहूंगा, आज बॉर्डर क्षेत्र पे रोड़ों का जाल बिछा है, आज हमारी सेना जहां 8-8, 10-10 घंटे में सफर करके अपने गंतव्य पे पहुंचती थी, आज 2-2 घंटे में पहुंच रही है, इतना रोड़ों का वहां जाल बिछा है। तो ये कमजोरियां पहले रही है, ठीक है, उनको अब जो है ना, अब सरकारें जो आई है वो सुधार रही है और अच्छे काम हो रहे हैं, सेना भी मजबूत है और देश में भी तरक्की हो रही है। मैं तो यही कहूंगा कि दोनों क्या सभी पार्टियों को मिलकर चर्चा करना चाहिए, कटच नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में कटच नहीं होना चाहिए। हाँ, विरोध करिए, सवाल पूछिए, हर पार्टी को सवाल पूछना विरोध करना अधिकार है, मगर वो एक देश हित का होना चाहिए, देश के विरोध में नहीं जाए। ऐसा कोई विरोध मत करिए जो देश हित में ना, देश के विरोध में जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। शान हमारे साथ बने हुए हैं, शान सुरक्षित हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि वैभव जी ने भी कहा कि यहाँ पर शान सुरक्षित बैठे हैं, ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी बात है। शान देखिए, अभी भदौरिया साहब ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं और युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो वापसी करेंगे। क्या स्टूडेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाए या उन्हें नहीं लग रहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए, आप वहीं पर मौजूद थे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि हालात कैसे थे, कब ऐसा लगा कि अब युद्ध जो है उसको अंजाम दिया जाएगा, स्थिति भयावह होती हुई नजर आएगी। और आज जो हम देख रहे हैं 6ठे दिन हालात बदतर हो चुके हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा न्यूज़पेपर या इस तरह की न्यूज में ज्यादा यकीन नहीं करते हैं या फिर ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं अंदर जाते हैं, लेकिन जो एडवाइजरी है जो इसके एम्बेसी के थ्रू आई थी, तो जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में रहते हैं वो या तो फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए या ईमेल के जरिए वो एम्बेसी से लगातार जुड़े रहते हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो एडवाइजरी मैंने सारी रेगुलर पढ़ रहा था शुरू से ही, लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। कुछ मेरे दोस्त थे जो उस टाइम पे निकल गए, लेकिन इसमें एक यूनिवर्सिटी की भी ये कमी थी कि उन्होंने हमको ये बताया गया था कि आपकी फरवरी से क्लासें ऑफलाइन चलेंगी, इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाए, क्योंकि अगर वो चले जाते और सिचुएशन फिर से 10 दिन में ठीक हो जाती तो फिर से हमें वापस आना पड़ता। और उसमें तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो प्राइस थे टिकट्स के वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे।
बिल्कुल, और ये परेशानी छात्रों के सामने लगातार आ रही थी। वैभव जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफ़ कीजिएगा इंतज़ार ज़्यादा कराया, लेकिन चर्चा करनी भी ज़रूरी थी। भदौरिया साहब से अच्छी तरह समझा रहे थे हमें कि क्या कूटनीतिक यहाँ पे चीज़ें निकल कर सामने आती है, किस तरह से हमें इंतज़ार करना होगा। भारत सरकार कर रही है पूरी कोशिश, और कोशिशों पर देखिए उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत सरकार सभी भारतीयों को वापस लाएगी। जिस तरह से ऑपरेशन गंगा को तेज़ किया जा रहा है, उससे और भी उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन हर भारतीय को विश्वास है कि वहां से उनके छात्र जो हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, वो सकुशल वापस आ जाएंगे। देखिए, एक ज़िंदगी हमने खो दी है, हम नहीं चाहते कि बाकी ज़िंदगी पर किसी भी तरह की कोई आँच आए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मेरे ख्याल से मैं शान का हौसला कम नहीं करूंगा ये कह कि मेरी सहानुभूति इनके साथ है, क्योंकि वो बड़ी एक राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन शान को मैं ये जरूर बोलूंगा कि अब जितना यहाँ से हो सकता है अपन कर लेंगे, बाकी तुम लोग देख लो। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे तो अपन दो चार ही लोग हैं और ये लोग 20 हैं, तो ये लोग मिल के दबाव बनाएंगे ग्राउंड टीम पे। और मैं ओपन न्योता दे रहा हूँ, तुम्हें कोई डांट लगाए ग्राउंड टीम में से, तुम मेरा नंबर ले लेना, मैडम से मेरे को फोन कर देना, मैं क्लास लगा दूंगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोई कमी नहीं है, ओपन है, ओपन वो है, ठीक है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वहाँ बैठ के भी यहाँ पे आ सकते हो। देखो, मैं जो जो हमारा एकदम बढ़िया पैनल है, सबका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, शान ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली अभी कि कई इसके अंदर परमोटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, जहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करें भी तो देखिए हो सकता है शान अफोर्ड कर सकता है अपना टिकट आगे पीछे करना, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो लोन लेके भी आए हैं वो शायद नहीं अफोर्ड कर पाते। तो सब अपने अपने अटकलों में रिस्क में कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहें कि राजनीतिक रूप से कि भारत सरकार ने पहले क्यों नहीं बोला, वो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी को ही अंदाजा नहीं था, चांद तो वहां रह रहे थे, उनको ही नहीं पता था कि एक दिन में इतना हो जाएगा। तो हमारे लिए तो कूटनीतिक रूप से सारे रूट्स खोलना, हर कंट्री से बात करना, अपना दूत वहां पे भेजना, उनसे आसान थोड़ी है इतना मोबिलाइज करना रिसोर्सेज। आज अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है, वर्चस्व का युद्ध होगा, तो आप सोचो भारत जीतेगा ही जीतेगा, चारों तरफ से भारत पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन भारतीय जो पाकिस्तान में है वो सुरक्षित फिर भी अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने तो हमने अफगानिस्तान से भी निकाले, हमने यमन से भी निकाले, इराक से भी निकाले, मतलब कोई इसमें लोड लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन भारत के ऊपर यदि प्रेशर बनेगा तो भारत अपनी एयर स्पेस बंद कर देगा, किस किस देश को एयर स्पेस की एक्सेस देनी है, वो मजाक तो नहीं है, छोटा टाइम कोई पत्थर फेंकने वाली बात की चार दोस्त आया था, चार को फोन किया, चार भाई खोल देगा यार, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो कहना राजनीतिक रूप से ठीक है, राजनीतिक दल की एक राजनीतिक दल की एक नेचर है कि भाई कटाक्ष तो करना ही है, जो कार्य अच्छा भी हो उसको बुराई तो बोलना ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि राजनीति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भदौरिया साहब ने बड़े होने के नाते मेरे ख्याल से सही एडवाइस दी, और मैं हमेशा मेरी हर डिबेट में बोलता हूँ कि आइए साथ मिलके बैठते हैं। अब वो दूसरी बात है कि किस चीज के ऊपर बैठेंगे, वो ऐड है ना कि जब मिल बैठे दो भाई, तो वो क्या उस पानी चाय कॉफी अपने देश में तो बहुत सारी चीजें हैं बैठने के लिए, तो अपन विचार विमर्श करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो अपन एक है, राजनीतिक कलेश जो है वो अपने अंदर देश के, बाहर वालों के लिए अपन सब एक है, सुधा जी और मैं सब एक ही लोग हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज अपने लोग सुरक्षित बैठे मजे ले। मैं तो बड़ा एहसानमंद हूँ भारत सरकार का, एज अ नेता एट 42 मैं राष्ट्र नेता हूँ, राष्ट्र स्तर पर नेतागिरी करता हूँ, मैं बड़ा बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप शान का कनेक्शन देखिए कितना स्टेबल है इंटरनेट का, वो वहां से हमारे साथ जुड़े हुए, मतलब कंट्री जिनसे अपन ने बात करी स्लोवाकिया, वो दोनों ही कंट्री के बड़े क्लोज हैं, क्योंकि मेरा मॉस्को में दफ्तर है और मैं ये वाला जो सेक्टर है चाइना रूस का, ये मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करता हूँ। आपको मैं बताऊं, व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह, तो अगर अपन बोले कि अपने को पहले क्यों नहीं पता था, तो अपने को तो पता 1992 में ही चल जाना चाहिए था। व्लादिमीर पुतिन ने 1992 में रशिया के पार्लियामेंट में जब पहली बार शिरकत करी थी, तब ये बोला था कि यूएसएसआर जो टूटा है वो बहुत गलत हुआ है, एंड इट इज अ कैटास्ट्रोफी इन द फेट ऑफ यूएसएसआर। तो हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि वो कभी ना कभी तो वापस बुलाएंगे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो कूटनीतिक बातें हैं, और बिहार में तो हमारी सरकार भी नहीं थी तभी एडवाइजरी जारी कर दी। मैंने कहा ना कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं आपके इस बात पे आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ कि हमारे देश में वक्ता बहुत अच्छे हैं,
और अपनी बातों में उलझा के, लेकिन जो आपने एक बात कही थी मैं उस बात पे जरूर बोलना चाहूंगी कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते इस जगह पे कि हमारे देश का हर बच्चा, और सिर्फ हर बच्चा नहीं, वहाँ देश के जितने भी व्यक्ति हैं इंसान के रूप में, युद्ध जितना हो सके टल जाए, सभी सुरक्षित रहे, लेकिन जो बच्चे हमारे देश के हैं वो हम उनको वापस ला पाए, उसके बाद जो व्यवस्था करनी है करें। लेकिन वैभव भाई मैं आपको पुनः एक बार कहूंगी कि जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मैं उनसे कहती हूँ कि कम्युनिकेशन जो आपका होना चाहिए, आप कोई बात कितनी भी गहराई डेप्थ की हो या फिर डेप्थ की ना हो, आप कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो आपने तो उसमें 100 में 100 मार्क्स लिया हुआ है, लेकिन जहाँ पे बात प्रश्नों की होती है, प्रश्न उठना, अगर प्रश्न है इसका मतलब तभी उसका उत्तर मिलेगा, तो हमने प्रश्न इसीलिए रखा जिसका उत्तर ढूंढ पाए और हमारे सारे बच्चे सुरक्षित आ पाए। तो प्रश्न उठाना कभी गलत नहीं होता है, प्रश्न सिर्फ इसलिए कि आपके कर्तव्य, जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, वो हमारे पूरे हो सके। तो मैं चाहूंगी कि हमारे पूरे देश के मैं 16 जो भी बच्चे आपसे अग्री करता हूँ शुभा दीदी, और मैं आपको बताऊं कि मेरे ऑफिस में 2 रशियन स्पीकर्स हैं, एक तो मोहतरमा ही हैं जो रशियन ही हैं, मेरे साथ काम करती हैं, वो यहाँ रुकी हुई हैं किसी बिजनेस के लिए आई थी, और दूसरी मेरी अपनी बहन है जो रशिया में PhD करी हुई है, रशियन में वहीं रहते। और मैं आपको बताऊँ, मैंने JS से यहाँ पे MEA में जॉइंट सेक्रेटरी से और जयशंकर जी को खुद को मैसेज किया कि आपको हेल्प डेस्क की जरूरत हो आप एक नंबर मेरे पास भेज दो, नहीं तो मैं दोनों को उठा के आपके पास भेज देता हूँ, आप उद्योग भवन है तो वो इसलिए कि आपको रशियन स्पीकिंग लोग चाहिए, आपको हेल्प चाहिए ना, अपन सब मिलकर करें, सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमने JNU को भी बोला, कुछ रिक्वेस्ट करा कि आपके पास यूक्रेन की रशियन और रशिया की रशियन में थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल उसके बिल्कुल लोगों के लिए एक ही बात है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। एक बात जो सॉन्ग होता था ना मेरे को, मैं शान तुम्हारे लिए एक बात बताऊं, तुम अपने दोस्तों में भी बोलना कि बहुत साल पहले जब कोल्ड वॉर का अंत हुआ था सन 1988 में, तो स्कॉर्पियन अमेरिकन ग्रुप, एक बैंड है स्कॉर्पियंस, उन्होंने एक गाना बनाया था विंड्स ऑफ चेंज, और वो रशिया के स्क्वायर में, क्रेमलिन स्क्वायर में गाया था गाना, बहुत बड़ा शो हुआ था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर था वो बेसिकली। तो ये विंड्स ऑफ चेंज वाला गाना ना हमें वापस याद आ रहा है आज की तारीख में, आप सुनिएगा बिल्कुल। और वैभव जी और सुधा जी और भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़े, शान भी हमारे साथ जुड़े, और बखूबी देखिए बहुत ही शानदार तरीके से शांति से बैठ के तमाम जो मुद्दे थे उन पर बात की। और वैभव जी आपका तो खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि आप डिबेट में भड़क जाते हैं, आज लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप आराम से बैठे अपने मुद्दे रखे, तो मैं आपका बहुत बहुत हमने बैठ के आज इतने दिनों बाद तो प्रेम से डिस्कस किया, अपना वार्तालाप किया जो होना चाहिए, हमने किसी की जरूरत है बिल्कुल जरूरी भी था ये, क्योंकि स्थिति ऐसी है। हमें भदौरिया साहब से सीख मिली, मैंने सुधा दीदी से कुछ सीखा, उन्होंने मेरे से कुछ पकड़ा, शान ने हम तीनों से चारों से सीखा, तो ये एक्सपीरियंस हो गया आज का बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास करके शान का जो सीधे स्लोवाकिया से हमारे साथ जुड़े थे और अपनी व्यथा बता रहे थे। देखिए वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी सुरक्षित नहीं हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वापस लाने की, ऐसे में आज लेकिन स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद ऐसी है कि जितने भी भारतीय हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन आज जब EU का सदस्य बनने की मंजूरी जो मिली है यूक्रेन को, जब वोटिंग होती है किस तरह के हालात पैदा होते हैं, उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा जो कल दूसरी बार वार्ता होने जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जो होगी, युद्ध पर विराम लगेगा या फिर कुछ समझौते होंगे, इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन हमारी उम्मीद यही है और लगातार हम छात्रों से यही कह रहे हैं कि आप स्ट्रांग बने रहिए, धैर्य रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, आप सभी की घर वापसी जरूर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे उन मुद्दों के साथ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं।